हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस नए वीडियो की मिल जाया करें। अशोक लेलैंड इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम अपडेट करेंगे। और पूरा ऑटो सेक्टर ज़बरदस्त पिट चुका है। ऑटो सेक्टर ही क्या, बजट के बाद से पूरा बाज़ार ही लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही है इसमें। और ऐसे में हम निवेशक जो हैं पैनिक ना करें। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए कि कहाँ पे जाके रुकती है गिरावट, या फिर हमें SIP करनी चाहिए अगर हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा माल तो कहीं ना कहीं फंसा ही होता है ना, तो क्वांटिटी तो हमारी बनी हुई है। अगर हमने फंडामेंटली कुछ कंपनियों में निवेश किया है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हीं में से एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है अशोक लेलैंड। हाँ, कुछ अब ये कहना हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स का कि भाई ऑटो सेक्टर अभी 2-3 साल कुछ देने वाला नहीं है। अगर सही पे मायने में देखा जाए तो ये भी एक बात सही है कि कौन सी कंपनियां ऑटो सेक्टर में, कौन सी कंपनियां 3 साल तक या 4 साल तक प्रॉफिट में आएंगी या नहीं आएंगी, या उनका पूरा व्यवसाय पहले जैसा चलना शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मारुति सुजुकी, बजाज मोटर्स, आयशर मोटर्स या फिर टाटा मोटर्स पे, क्योंकि ये कार्स और बाइक्स बनाती हैं। जैसे बजाज हो गया या फिर आयशर हो गई, बुलेट बनाती है, या फिर हीरो मोटोकॉर्प हो गए, लेकिन मारुति सुजुकी कार्स वगैरह में। तो होता क्या है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के लिए उन पे जो ज़बरदस्त दबाव है उन कंपनियों पे, तो अशोक लेलैंड पे ऐसा कुछ नहीं है। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल बनाती है, नो डाउट। इलेक्ट्रिक बसेज ये बना ही रहे, पहले से ही अनाउंस कर चुकी है कि इसके पास काफ़ी ऑर्डर्स हैं। और लाइट वेट कमर्शियल्स भी, ये काफ़ी अच्छा इनका व्यापार चल रहा है बजाय बड़े बड़े ट्रक्स के, तो लाइट वेट कमर्शियल में ये आगे निकल जाएगी, नो डाउट। और अशोक लेलैंड पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना बाकी की कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा। उसका भी रीज़न है कि जो डीजल या पेट्रोल की कार्स हैं उन पे रजिस्ट्रेशन शुल्क इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और भी कई चीज़ें छोटे छोटे जो सरकारी लगते थे उन पे ज़्यादा बढ़ा दिया गया, चाहे रजिस्ट्रेशन शुल्क हो, चाहे टैक्स हो किसी प्रकार का, सर्विस टैक्स हो, बहुत सारी चीज़ें। अशोक लेलैंड बनाती बेसिकली ट्रक, बसेस, लाइट वेट कमर्शियल्स, डिफेंस के लिए काम करती है, नेवी के इंजन्स वगैरह में सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करते हैं आगे हम इसके रिजल्ट्स की, तो किस प्रकार के रहे क्वार्टर वन के जून के आ चुके हैं। तो मार्च 19 से जून 19 में अगर हम देखते हैं तो नेट सेल्स में भारी गिरावट है। जैसे कि मार्च 19 में था 8722 करोड़ की, वहीं जून 19 में हो गई 5600। इसी प्रकार नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट है। जैसे कि मार्च 19 में थे 652 करोड़ का नेट प्रॉफिट था टोटल, वहीं जून 19 में हो गए 230 करोड़ की। और यहीं पे अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं जून 18 से जून 19 में, तो नेट सेल्स में जहाँ 7043 करोड़ की थी, वहीं जून 19 में हो गई 6514 करोड़ की, यानी 7.5% की डाउनसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भले ही थोड़ा 1.8% की अपसाइड है, अच्छी बात है, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखिए 443 करोड़ जो जून 18 में थी, वहीं जून 19 में हो गई 247 करोड़ की, यानी 45% के आसपास की गिरावट है। थोड़ी सी राहत यह है कि मार्जिन अच्छे हैं, 1.48% की अपसाइड है, और इंटरेस्ट भी इनका देखिए बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी 28% की गिरावट है। तो इस तरीके से इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त में गिरावट है। और स्टॉक का अभी वर्तमान प्राइस क्या है गिरने के बाद, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम NSE के साइड पे चलते हैं तो आज की स्थिति देखते हैं, तो 63.55 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। प्रीवियस क्लोज यानी कल था 68 रुपये। और आज की मैं डेट बता देता हूँ, आज 2 अगस्त है 2019 है, 1 बजे के आसपास मैं बना रहा हूँ वीडियो। और हाई था 68 का, लो बनाया 60 का। और अगर हम देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम 10,42,84,000 के संदर्भ, तो मतलब भयानक ट्रेडिंग हो रही है इंट्राडे पे। और डिलीवरी की भी अगर हम बात कर लें तो अभी की जो सिचुएशन है 1 बजे के आसपास, तो क्वांटिटी ट्रेडेड इतना और डिलीवरेबल है 29% के आसपास, सेलिंग क्वांटिटी 42 लाख के आसपास और बाई क्वांटिटी 48 लाख के आसपास है। और 52 वीक लो आज ही बनाया इसने 60.85 रुपये का, और हाई जो था 135 रुपये के आसपास था 3 सितंबर 2018 को। तो काफ़ी गिरावट आ चुकी है इसके प्राइस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि
जब कोई बड़ी कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो और छोटी प्राइस हो और काफ़ी उसमें गिरावट आ चुकी हो, तो रिटेल निवेशक, अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं, अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो पहले तो ये देखना होगा कि हमें बाज़ार का गिरावट का जो लेवल है वो कहाँ जाके थमता है, कहाँ जाके रुकता है, मंदी कहाँ रुकती जाके, क्योंकि दबाव तो सब पे पड़ा है, सारे कंपनियों पे पड़ा है। तो अशोक लेलैंड फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें SIP किया जा सकता है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप ले ही लीजिए। सोचने वाली बात है कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम लंबे समय के निवेशक हैं, 3 साल 5 साल 10 साल, तो हमें सूझबूझ के साथ अगर हम ऑटो सेक्टर में किसी में पैसा डालना चाहते तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अशोक लेलैंड का 63 रुपये से जाके ये 1 रुपये हो जाएगा या डिलिस्ट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला। ये आपको ही पता, बहुत पुरानी कंपनी, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। चलिए मार्केट कैपिटल भी देख लेते हैं। देखिए, मार्केट कैप 20,211 करोड़ का, पी रेशियो 9.93 का, EPS है 6.95 का, प्राइस टू बुक है 2.19 का, डिलीवरी 12% के, हालांकि आज की डिलीवरी अलग थी, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। एक साल में जो रिटर्न दिया 45% का नेगेटिव में है, 6 मंथ में 21% का नेगेटिव में है। तो ये कंपनी एक अच्छी है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी कितने नीचे के लेवल पे जाता है, कहाँ पे जाके रुकता है, वो हमें ध्यान देना होगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए, क्वांटिटी आपको अपने स्टॉक की बढ़ानी चाहिए, अगर आपको अशोक लेलैंड पे भरोसा है ऑटो सेक्टर्स कंपनियों में, तो इस पे थोड़ा सा निवेश बनता है। लेकिन ये आप पे निर्भर है कि आपके पास कितना बजट है। पैसा अगर आप बचा के रखेंगे तो सबसे बड़े राजा आप कहलाएंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि निचला लेवल कहाँ तक जाएगा भारतीय बाज़ारों में। तो संभल के निवेश करिए और अच्छी कंपनियों में क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।